हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एक डेल का लैपटॉप आया है, ये टच स्क्रीन लैपटॉप होता है 180 डिग्री तक। और इसके मॉडल की यदि हम बात करें तो ये डेल लैटिट्यूड E7250 मॉडल है। प्रॉब्लम की अब इसकी बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये हमारी मशीन डेड में है, ऑन नहीं हो रही है। ये चार्जर हम लगा करते हैं, चार्जर लगाने के बाद भी आप ये देखते हैं हमारी मशीन ऑन नहीं हो रही है। तो ये किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम डायग्नोस करने के लिए स्टेप बाय स्टेप होता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें प्रॉब्लम से पहले हम इसकी आपको कॉन्फ़िगरेशन और इसकी अच्छी बात या किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है और किस प्रकार की मशीन होती है, कैसी मशीन होती है, इसका रिव्यू हम कर लेते हैं। तो ये i7 में होती है मशीन। i7 में ये ब्लैक वाला वी प्रो जो इनसाइड इसका प्रोसेसर होता है वो वाला इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। फर्स्ट जनरेशन में ये मशीन होती है। DDR3 इसमें रैम है, कंपनी के साथ जो रैम आई है इस 4GB रैम आती है। हम इसमें अपग्रेड भी कर सकते हैं, रैम दो स्लॉट होते हैं इसमें, इस मॉडल में E7250 में दो स्लॉट होते हैं। SSD होती है, SSD इसमें छोटे वाली M.2 वाली SSD होती है, हार्ड डिस्क का इसमें ऑप्शन नहीं होता है। और दूसरी बात हम करें ग्राफिक के साथ, ये नहीं, ग्राफिक के साथ नहीं होती है, इंटेल ग्राफिक ही इसमें होता है, कोई अलग से AMD या और NVIDIA ग्राफिक नहीं लगता है। बैटरी बैकअप की यदि हम बात करें तो इसमें आप देखोगे ये बाहर से बैटरी लगती है, ये बैटरी है इसकी। बैकअप की यदि हम बात करें तो 4 घंटे के आसपास इसका बैकअप होता है। तो ओवरऑल मिला के बात करें लुक वाइज भी अच्छी होती है मशीन अच्छी होती है, हाई कॉन्फ़िगरेशन में हाई एंड में मशीन होती है, टच स्क्रीन भी होता है। तो कई चीज़ें हैं जो इसके फीचर्स होते हैं, और कुछ इसमें ऐसा तो नहीं है कि डाउनग्रेड कुछ मॉडल है कि ये अच्छी होती है। तो टोटल ओवरऑल हम यदि बात करें तो हमारी मशीन अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम की, कि हम इसकी प्रॉब्लम कैसे डायग्नोस करेंगे, कि कहाँ पे प्रॉब्लम है या क्या इसमें दिक्कत आ रही है। दिक्कत तो हमने बताई दी, ये डेड है। डेड किस लिए है, मदरबोर्ड का इशू है, DC जैक का इशू है, बैटरी का इशू है, किस चीज़ का इशू है वो हम आपको अब आगे वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मशीन को खोलते हैं। सबसे पहला हमारा रूल ही यही होता है कि हम बैटरी को हटा देते हैं। इसके बाद हमने इसके स्क्रू, दो यहाँ पे स्क्रू होते हैं वो खुले हुए हैं। तो ये हमारा DC जैक है। सबसे पहला हमारा स्टेप जो होता है चेक करने का, DC पे हम देखते हैं हमारे बोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हमारे लैपटॉप में के मदरबोर्ड में पावर सप्लाई एंटर हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमारा पहला स्टेप होता है। तो उसी को हम चेक करते हैं। पहला हम रखते हैं तो न्यूटन पे लगा के देखते हैं कि भाई हमारे बोल्ट, आप मीटर में चेक करोगे कि 19 वोल्ट एंटर हो रहे हैं मदरबोर्ड में। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पावर सेक्शन में कि इसको वो हमें खोल के देखना पड़ता है। खोलने के बाद ही पता लगेगा कि कहाँ पे है। पावर सेक्शन में देखते हैं, CPU सेक्शन में। तो उसके बाद हम इसको खोलते हैं, फिर आपको हम आगे बताते हैं कि ये कैसे हम इसमें डायग्नोस करेंगे।